अब हम देखेंगे इस रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या हुआ था। रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट, फर्स्ट था राइज ऑफ नेशनलिज्म। सो इस रिवॉल्ट का जो सबसे बड़ा असर पड़ा था वो था कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग उभर के आ गई थी, और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था। इसके वजह से इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के लोग एक साथ शामिल हो चुके थे, यूनाइट होके लड़े थे। और इस रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे वो इस बात पे तो नहीं लड़े थे कि हमें पूरा अपना देश के लिए हम लड़ रहे हैं, वो अपने अपने राज्य के लिए लड़े थे। लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स थे जैसे कि तात्या टोपे और रानी ऑफ झांसी, ये बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए ब्रेवरी का। काफ़ी सारे लोग इनको याद करते तो उनको पता था कि कितने ब्रेव लोग थे। और 90 साल के अंदर अंदर ही इंडिया को अपनी आज़ादी मिल गई, एक बड़ी जंग लड़ के नहीं बल्कि एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट के हिसाब से। मास मूवमेंट का होता है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो सारी। और फर्स्ट देखते हैं इसमें कि क्या क्या और हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब भले ही ब्रिटिश लोगों ने इस रिवॉल्ट को दबा दिया हो, लेकिन इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश के कॉन्फिडेंस को बहुत ही बुरी तरीके से हिला दिया था। काफ़ी सारे मेजर लिए गए ये बात को ध्यान में रख के कि फिर से ऐसा रिवॉल्ट ना हो और ब्रिटिश के रूल को इंडिया में और भी मजबूत किया जाए। वो कौन कौन से मेजर थे, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू एंश्योर दैट देयर वुड बी नो रिपीटेशन ऑफ द रिवॉल्ट एंड टू कंसोलिडेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर्स टेकन सो दैट सच रिवॉल्ट डज नॉट हैपन अगेन। ठीक है, तो वो मेजर्स ये थे कि इस तरह का रिवॉल्ट फिर से ना हो और ब्रिटिश का रूल इंडिया में और भी पावरफुल हो जाए। तो ये फर्स्ट था, इंडिया वॉज ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द क्राउन। अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ गवर्निंग बॉडी से हटा दिया कि अब आप इंडिया को गवर्न नहीं करोगे। अब इंडिया को गवर्न कौन करेगा, ब्रिटिश का क्राउन, मतलब वहाँ की रानी। और वहाँ के क्राउन के अंडर डायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो क्राउन के तरफ से जो इंडिया को गवर्न करेगा, जो गवर्नर जनरल, वो अब कहलाएगा वॉइस रॉय। सेकेंड ये था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। सो काफ़ी सारे ब्रिटिश के ट्रूप्स को इंक्रीज किया गया, इंडिया के जो आर्मी थी यहाँ पे उसके अंदर काफ़ी सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को शामिल किया गया। और ब्रिटिशर्स ने ब्राह्मीन, राजपूत और वो सोल्जर जो अवध के थे, बिहार, सेंट्रल इंडिया, इन सारे सोल्जर्स की जगह पे गुरखा, सिख और पठान्स को रखा गया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, ये गुरखा, सिख और पठान्स लोगों ने ही रिवॉल्ट के टाइम पे ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, अपनी वफादारी दिखाई थी। और जितना भी गोला बारूद, जितना भी कुछ वेपन, जो भी कुछ होता, वो अब सब कुछ ब्रिटिश लोगों के हाथ में ही कंट्रोल में रहता, किसी इंडियन के हाथ में नहीं। इसके बाद देखते हैं क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है एक फरमान, जो एक राजा महाराजा या फिर कोई रानी के द्वारा एक अनाउंसमेंट, जिसके अंदर जितने भी रेबल्स थे उनको अनकंडीशनली माफ़ कर दिया गया, खाली उन लोगों को छोड़ के जिन लोगों ने ब्रिटिश के लोगों को मारा हो, ख़त्म किया हो, उन लोगों को माफ़ नहीं किया, लेकिन बाकी सारे लोगों को माफ़ कर दिया गया। और इंडियन प्रिंसेस को ये विश्वास दिलाया गया कि जो उनके हक हैं, उनके राइट्स हैं, उनकी डिग्निटी है, उनका जो ऑनर है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। सो इस एक्ट के वजह से ब्रिटिश लोगों को इंडिया के जितने भी राजा महाराजा और जो प्रिंसेस थे उनकी लॉयल्टी मिल गई, ठीक है, वो वफादारी उनकी मिल गई, और वहाँ के प्रिंस लोग अब इन ब्रिटिश लोगों के तरफ और भी आभार व्यक्त करने लगे, ग्रैटिट्यूड अपना कि थैंकफुली, अच्छा किया आपने ऐसा किया, थैंक यू सो मच, ये इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, ठीक है। और इसके साथ साथ में इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश का एटीट्यूड भी इंडिया की तरफ चेंज हो गया। पहले ब्रिटिश के अंदर जो लिबरल ब्रिटिश थे, जो मतलब ओपन माइंडेड थिंकिंग रखते थे, वो ये सोचते थे कि हाँ ऐसा टाइम आएगा जब इंडियंस लोग खुद अपने आप को रूल करेंगे। लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश लोगों ने ये डिसाइड किया कि इंडियंस लोग अपने आप को गवर्न करने के अनफिट हैं, इंडियंस लोग अपने आप को रूल नहीं कर सकते, इतने फिट नहीं है वो लोग। और ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि अब हम किसी भी तरह के सोशल रिफॉर्म से दूर ही रहेंगे, हमें इनकी सोसाइटी में कोई बदलाव नहीं लाना, कोई रिफॉर्म नहीं करना, क्योंकि यही एक मेन कारण था
यही वन इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन, मेजर कॉज था ना ये रिवॉल्ट का, वन ऑफ द मेजर कॉज था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टेनेंसी एक्ट। जब ब्रिटिशर्स को ये एहसास हुआ कि किस तरह से उनकी लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज़ की वजह से इंडियन फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उन्होंने नए एक्ट्स लागू किए जिनका नाम था टेनेंसी एक्ट्स। इसमें पहला था द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1859। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें लोगों की भलाई के बारे में बात किया गया था कि अगर किसी फार्मर के पास, अगर कोई फार्मर ये प्रूव कर देता है कि उसके पास जो लैंड है वो पिछले 12 साल से है, तो उसको उसके टेनेंसी राइट्स मिल जाएंगे, मतलब वो उसका मालिक हो जाएगा और उसको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। लॉर्ड कैनिंग जो इस रिवॉल्ट के बाद इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय बने, और इनके आने वाले और भी सक्सेसर्स मतलब दूसरे वॉइस रॉयज, इन लोगों ने इंडिया को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हुए थे जिसमें इरिगेशन को लिए, इरिगेशन के लिए, फिर सैनिटेशन के लिए, साफ़ सफाई, कम्युनिकेशन, और फेमाइन के वक्त फार्मर्स को, इन सबको थोड़ा रिलीफ दे, ऐसा इस तरह की स्कीम्स लेके आए थे। स्कूल्स नए नए ओपन हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आउटकम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिज़ल्ट आया था इस रिवॉल्ट का, वो ये था कि अब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं था, अब यही हमारा इंडिया ब्रिटेन के क्राउन के अंडर था, मतलब डायरेक्टली ब्रिटेन की गवर्नमेंट अब इंडिया को कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब जितने भी इंडियन स्टेट्स थे वो ब्रिटिश के स्टेट्स कहलाते थे, इंडियन टेरिटरी, मतलब ये कहलाते थे कि दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी अंडर ब्रिटिश। और जो कुछ इंडियन जो स्टेट्स थे जो अपने आप को आज़ाद मानते थे या फिर दिखाते थे, वो सिर्फ नाम के आज़ाद थे। इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि व्हाट वाज द बंगाल टेनेंसी एक्ट। ठीक है, ये लिख सकते हो कि व्हाट वाज द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1859। फिर एक और क्वेश्चन लिख सकते हो कि व्हाट वाज द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था वो है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर आप जब लिखोगे तो वो पूरा पैराग्राफ लिखोगे, 1858 क्वीन विक्टोरिया से लेकर लॉयल्टी ऑफ द प्रिंसेस, ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, और टेनेंसी एक्ट जो है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, वो क्या लिखोगे, जो पूरा है लिखा हुआ ना, द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1859 से लेकर आप लिखोगे यहाँ तक, लॉर्ड कैनिंग के पहले तक। ठीक है, कुड नॉट बी इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड, यहाँ तक। ओके, सो इसी के साथ ये एक एक लास्ट क्वेश्चन था जो बाकी रह गया है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट, वो यहाँ पे लिखोगे, ये पूरा पैराग्राफ। ओके, सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।